Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable ministers, services chiefs, parliamentarians, diplomats, honorable diplomats, Fatin Hazrat. Aaj hum commemorate kar rahe hain ek din jo Allah ka karam hai khas ke hum usme se jis tarah nikle hain ek mushkil waqt se wo ek main bahsiyat e pakistaniya bol raha hu prime minister nahi bol raha mujhe bada fakhr tha jis tarah wo pakistani qaum ne us crisis se deal kiya kyunki crisis to tha agar aaj allah ka shukr hai ke wo aggravate nahi hua agar wo halaat bigde nahi to isme sirf aur sirf ek pakistani qaum ki maturity samne nazar aayi thi to main as a pakistani isliye keh raha hu kyunki meri umar taqreeban pakistan jitni hai to humne sare pakistan ke unch neech dekhe hain 65 war bhi mujhe yaad hai 71-70 में जो इस कौम को शॉक मिला था जो तकलीफ़ हुई थी वो भी मुझे याद है और उसके बाद हमने ऊंच नीच देखी अपने मुल्क की लेकिन एक इंसान की और एक कौम की पहचान होती है वो एक क्राइसिस में कैसे बिहेव करता है एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि करेज की डेफिनेशन है करेज की ग्रेस अंडर प्रेशर के मुश्किल वक्त में किस तरह एक इंसान अपने आप को सस्टेन करता है तो क्योंकि ये जब हुआ हमें पता था पुलवामा के बाद कि हिंदुस्तान ने कुछ करना है क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सब ये बता रही थी कि वो कोई उनकी तैयारी है कुछ करने की तो हम तैयार थे और जब वो हुआ सुबह के मेरे ख्याल में 3 बजे थे एयर चीफ का जब मुझे टेलीफोन आया कि उन्होंने बॉम्बिंग की है तो उसके बाद जितना भी हमारा रिस्पांस था वो एक मैच्योर मुल्क का था सिर्फ ये नहीं कि जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया जो हमारी फौज तैयार थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जिस तरह की हरकत हुई और हमारी फौजी जिस तरह खड़े रहे और फिर जो नेवी ने वो सबरीन के ऊपर वो भी हमें पता चला उसके ऊपर लॉक ऑन किया कुछ कर सकते थे नहीं किया रिस्ट्रेन किया जिस तरह हमने पायलट वापस किया वो एक मैच्योर कौम की निशानी थी और यहाँ मैं अपने मीडिया को कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मीडिया का रिस्पांस था हमारा मीडिया ने मैच्योरिटी दिखाई आप कंट्रास्ट करें जो हिंदुस्तान में हो रहा था जो उनका मीडिया का रिस्पांस था जो उनके पॉलिटिशियंस का और कॉन्ट्रास्ट करें जो पाकिस्तान में हो रहा था बिल्कुल एक मैच्योर कौम बन के सामने आई एक क्राइसिस को टैकल किया हम पैनिक भी कर सकते थे जब पता चला सुबह 3 बजे जब पता चला कि उन्होंने बॉम्बिंग की है हमें तो नहीं पता था उस वक्त के कैजुअल्टीज़ हुई हैं नहीं हुई हमने पहले तैयारी थी कि हमने किधर उनको हिट करना है तो उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर सकते थे लेकिन हमने इंतज़ार किया अगले दिन रियलाइज़ किया कि नहीं कैजुअल्टीज़ हुई जब कैजुअल्टीज़ नहीं हुई तो फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया और फिर जो फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो पायलट से किया ये सारी रिफ्लेक्ट करती है कि एक कौम मैच्योर हो चुकी है और मुझे बड़े फख्र हुआ अपनी कौम के ऊपर जिस तरह उन्होंने डील किया और मैं फिर से अवाम का क्या रिएक्शन था पॉलिटिशियंस का क्या रिएक्शन था असेंबली के अंदर किस तरह हमने सारी इख्तलाफात के बावजूद सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आई अब मैं थोड़ा सा ज़रा सिनारियो जो इस वक्त है हमारी जो हमारे नेबर का मैं उसको सिर्फ अपनी पहले तो अपने लोगों के लिए ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहता हूँ और उसके बाद थोड़ी एंड में मैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी भी और बाहर के लिए बाहर के मुल्क के लिए भी मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा देखिए इस वक्त जो मसला है हिंदुस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है हमारे उनसे जिस तरह के भी ताल्लुकात रहे ऊंच नीच रही है बीच में मैं तो हिंदुस्तान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ क्रिकेट की वजह से मुझे शायद ही किसी पाकिस्तानी को इस तरह की पजीराई मिली हो रिस्पेक्ट मिला हो जो मुझे मिला हिंदुस्तान में और जो हिंदुस्तान में जानता हूँ
और जो जानता था वो बिल्कुल एक बड़े ख़तरनाक रास्ते पर निकल गया। और ये सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हिंदुस्तान को होने वाला है, हो रहा है और आगे मज़ीद और होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो निकल गए हैं इसमें से वापसी बड़ा मुश्किल है। जो इन्होंने एक रेसिस्ट, एक टोटलिटेरियन, एक फैशिस्ट जो आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है आरएसएस की, ये याद रखें कि जब भी दुनिया की आप तारीख, कोई भी दुनिया की तारीख देख लें, जो भी कौम इस आइडियोलॉजी पे गई है वहां हुआ ही खून है। उसके बाद ये इसकी लॉजिकल कंक्लूजन ही खून की तरफ है, क्योंकि जब आप एक किसी एक मल्टी एथनिक रेशियल रिलीजियस कम्युनिटी को जब आप ये कहते हैं कि एक रेस सबसे सुपीरियर है और एक दीन बाकी इंफीरियर है, और फिर आप नफरत के ऊपर बिल्ड करते हैं कि आपकी अगर आप और ऊपर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि इस ह्यूमन कम्युनिटी का कसूर था, तो आप नफरत के ऊपर जब ये बिल्ड करते हैं, आप कहीं भी दुनिया में उठा के देख लें, ये होता ही खून एंड में जाके। नाजी जर्मनी जिससे इन्होंने इंस्पायर होके आरएसएस ने ये सारी अपनी आइडियोलॉजी बनाई, नाजी जर्मनी में देख लें क्या हुआ, उसके अलावा रुवांडा में देख लें, साउथ अफ्रीका में जिधर एक रेस ऊपर आ गई और बाकियों को उन्होंने क्या किया उन बाकियों से, म्यांमार में देख लें, उधर एग्जैक्टली यही हुआ कि वो भी बुद्धिस्ट एक रेस ऊपर आई और दूसरी मुसलमानों से उन्होंने क्या किया। बॉस्निया में क्या हुआ कि जब सर्बियन नेशनलिज्म ऊपर गई, उन्होंने जो कत्लेआम की वहां, ये लॉजिकली ये इस तरफ एक ही तरफ जा रही है। एक उन्होंने हिंदुत्व, एक फिलॉसफी जो वो ऊपर ले आए हैं और वो नफरतें फैला रहे हैं मुसलमानों के ऊपर और उसके बाद क्रिश्चियंस के ऊपर, और फिर ये बाकी भी सारी उनकी जितनी भी माइनॉरिटीज है आखिर में उसकी तरफ भी जाएगी। इसका नतीजा इसलिए खौफनाक है क्योंकि पीछे हटना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। अगर ये यहाँ से पीछे हटते हैं, ये जो इनकी लीडरशिप जिधर पहुँच गई है, अगर यहाँ से पीछे हटती है, इनका जो एक किस्म की ये जो नेशनलिज्म और रेसिज्म ये जो इन्होंने उठा दी है, ये इनको पीछे नहीं हटने देगी। आप मार्क्सिज्म का देख ले, जब कोई मार्क्सिस्ट आते थे तो उनको कौन जाता था, जो अल्ट्रा मार्क्सिस्ट है वो उनके पीछे पड़ जाते थे। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ से जो कश्मीर में इन्होंने कर दिया है, 80 लाख कश्मीरियों को ओपन जेल में जो किया है, और जो ये हिंदुस्तान में दो इन्होंने लेजिस्लेशन ला के बेसिकली 20 करोड़ मुसलमानों को टारगेट किया है, इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। और आगे जाते हैं तो ये याद रखें कि एक फेस कर रहे हैं इस वक्त कम से कम 50-60 करोड़ लोगों को, क्योंकि मुसलमान 20 करोड़ हैं, उसके अलावा भी क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, दालित हैं, ट्राइबल्स हैं, ये जितने भी ये जो अब आप जब हिंदुत्व ले आए तो इन सारों को मार्जिनलाइज करेंगे, और जब आप मार्जिनलाइज इतनी बड़ी माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, इसकी दुनिया की तारीख में ये नहीं हुआ। इस तरह के नंबर्स जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये दुनिया में कहीं ऐसे नहीं हुआ। आप थोड़े से लोगों को तो मार्जिनलाइज हो तो होते हैं, इतनी बड़ी माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करने के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो हिंदुस्तान फंस गया अब, और इसके लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को मदद करनी पड़ेगी इनकी। अगर तो वर्ल्ड कम्युनिटी एक्ट नहीं करेगी, इसमें से निकलना मेरे ख्याल में ये आगे बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। पाकिस्तान के लिए हमें फ़ख्र है अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे, हमें फ़ख्र है अपनी नेवी पे, अपनी एयरफोर्स पे, के और इतमाद है जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस था। मुझे बड़ी खुशी हुई, जनरल बाजवा बिल्कुल घबराए नहीं हुए थे, एयर चीफ बिल्कुल नहीं घबराए हुए थे, जब कह रहे थे कि बड़ी कैलकुलेटेड सारी बातें हुई हमारी। मुझे घबराना चाहिए था लेकिन कॉन्फिडेंस था, मुझे लग रहा था, क्योंकि इनको देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा। और जिस तरह रिएक्ट किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। हमारे अंदर पाकिस्तान में
मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो इसके ये जो पुलवामा के बाद और फिर बालाकोट के बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन था और जो आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन है, देखिए हिंदुस्तान में जाके कभी सोच सकते थे कि बाहर से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जाए और जो उनकी ताल्लुकात है हिंदुस्तान से, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे लिए, वहाँ मैं देख रहा था कि उनका जो एक्सट्रीम मीडिया है उसमें कितनी तनकीद की उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कि क्यों पाकिस्तान की तारीफ कर दी। लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है, ये पाकिस्तान की स्टैंडिंग अप रिफ्लेक्ट करता है और इंशाल्लाह ये मुल्क ऊपर ही जाता रहेगा और जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं जो इंशाल्लाह वो भी आप देखें जो सारा मुश्किल वक्त है वो निकल गया। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह वो शाह महमूद ने कोट किया यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कि पाकिस्तान फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, और टेररिज्म का मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसलिए शायद इसलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था हमारी सर्विसेज चीफ्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने बड़ा मुश्किल ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो जंग लड़ी गई है ये बहुत ही मुश्किल जंग, वो जंग ज़्यादा आसान होती है जो आमने सामने दुश्मन के बीच में हो, ये जो जंग होती है ये तो बड़ी मुश्किल जंग होती है जो आपने देख लिया कि दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर भी हमारे साथ वाले अफगानिस्तान में आपने देखा कि कितना उनके लिए मुश्किल रहा, नहीं जीत सके। लेकिन जो पाकिस्तान की जो सर्विसेज की जो परफॉर्मेंस थी उससे इसलिए उनके अंदर बड़ा एतमाद था और कॉन्फिडेंस था। तो मैं अपनी जो थोड़ी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं उनके लिए मैं ज़रा थोड़ी सी बात कर दूँ टू दी ऑनरेबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। माय फेयर अबाउट द वे द रोड दैट इंडिया हैज़ टेकन, I feel that unless the world community intervenes, India has seriously taken a path which is going to be self-destructive in India. Because when an ideology based on racial and in this case also religious superiority, which is what that ideology of Hindutva is, and I'm sure that the international community knows that this ideology has been inspired by the Nazis in the 20s and 30s, and if you read the statements, the writings of the founding fathers of RSS, you will find that they admired the Nazis' idea of racial superiority and also their treatment of the Jews. And so that sort of ideology, when it takes over a country of over a billion people, nuclear armed, it has consequences. And therefore, I've been since 5th August last year, when Kashmir was unilaterally annexed, violating United Nations resolutions, bilateral agreement, similar agreement with Pakistan, revoking their own constitution, Article 370. At that time, the world community didn't understand what was going on. So I tried my best to explain to world leaders, I tried to explain to them that this is just the beginning, that this ideology which is stated in their manifesto about Hindu superiority, I explained to the world leaders that this is going to have consequences. Unfortunately, no one understood. And because India has such a great international image, the land of Ravi Shankar and Nirvana and gurus, no one actually understood what had happened to India. The India of Gandhi and Nehru, their constitution of pluralism and secularism, everything after 5th August, we knew that was being reversed. And the moment these two legislations took place, the registration, Citizens Act and the Registration Act, clearly this was something which is not done in the modern world. This violates all humanitarian rights.
what was happening in Kashmir, 8 million people under siege by 800,000 troops, as if they were not humans. And then followed by these two legislations, and what is happening right now in India, gangs of RSS, equivalent to who were inspired by the Hitler brown shirts, them going and beating up people, and what was happening last night in Delhi. Unfortunately, this will get worse. And so my appeal to the international community is that this is the time to take action, to ask where this huge subcontinent is heading. It's not just a concern of Pakistan. It will concern the whole of the world. And if the international community does not act now, things will just keep getting worse. Because where this RSS-led government, this Modi government, where it is headed, as I explained in Urdu, it's impossible once this sort of ideology comes out of the bottle, once this genie comes out of the bottle, it's impossible to put it back in again. Because once these heady concepts of racial superiority, ultra-nationalism, once they get out from, as I said, from the bottle, it's not possible to again tell them that no, we got it wrong. And so with such a huge minority which will be excluded, and you're talking about 500 million people, including 200 million Muslims, Sikhs, Christians, Dalits, tribals, this is over 500 million people which will be excluded from the mainstream according to the Hindutva ideology. So what are the consequences of this? What we saw in Delhi last night is just the beginning. I don't see how this is going to stop. I don't see how, from where the Modi government has gone, how it will take back these two legislations. Because if, as I said, if they take them back, there will be a reaction from the ranks of these extremists, RSS groups, the same extremists, the RSS extremist who assassinated Mahatma Gandhi as being too soft on the Muslims. And therefore, I feel that the international community must take notice. Or if not, if they don't act right now, at least they should observe what is going on. And my contention is it will only get worse, because I don't see how where India is headed, how they are going to reverse this situation. मैं आखिर में फिर से आज ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ अपनी आर्म फोर्सेस को जिस तरह हमने हैंडल किया सारा मैं अपनी कॉम को ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ अपनी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है नेशनल असेंबली में जिस तरह उन्होंने अपने मीडिया को कि हमारे मीडिया ने वो हरकतें नहीं की हिंदुस्तान का मीडिया अगर आप देखें तो इतनी इमेच्योरिटी और इस तरह की चीज़ें वहाँ जो कही जाती हैं यानी कोई भी दुनिया का रिस्पॉन्सिबल मीडिया इस तरह की हरकतें नहीं करता कि यानी वो पूरी कोशिश करते हैं एग ऑन करते हैं कि आप जंग हो जाए मारो पाकिस्तान को ये करो सारी इलेक्शन कैंपेन ही लड़ी गई एंटी पाकिस्तान पाकिस्तान को बुरा भला वो जो हमने पायलट वापस किया उन्होंने सारी कैंपेन ही ये चलाई कि जी इतना हमारे से खौफजदा थे कि उन्होंने पायलट वापस कर दिया यानी वो बजाय ये कहने के कि कौम एक मैच्योर कौम ये रियलाइज करती है कि मिलिट्री सॉल्यूशंस होती नहीं है ये तो सिर्फ मिलिट्री अपनी कौम को डिफेंड करती है जो हमारी मिलिट्री ने किया लेकिन आप कोई भी मिलिट्री से मसले हल करने जाते हैं दुनिया की तारीख ये बताती है कि आप मिलिट्री से एक मसला हल करते हैं पाँच और मसले खुल जाते हैं आप अलकायदा के पीछे इराक में जाते हैं और आइसिस क्रिएट कर देते हैं कहीं भी जिस तरह अफगानिस्तान में हो कहीं भी दुनिया में ये जो मिलिट्री सॉल्यूशंस ये तो बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट होती है लेकिन उन्होंने ये हिंदुत्वता की फिलॉसफी उधर तक पहुंचा दी है कि उनको ये अपनी कौम को बता दिया है
कि आपसे बड़ी कोई कौम है ही नहीं, आपसे कोई सुपीरियर लोग है ही नहीं। उन्होंने तो मुसलमानों की तारीख ही ख़त्म कर दी कि ताजमहल भी सुना किसी पता नहीं हिंदू ने बनाया था, वो सारा उन्होंने तारीख ही चेंज कर रहे हैं। उनकी आप फिल्में देखिए आगे, वो मैंने गलती से एक फिल्म देख ली, मैंने समझा पानीपत के ऊपर फिल्म थी जो अहमद शाह अब्दाली की, वो बड़ी फेमस जंग थी, वो फिल्म देखी, वो कोई उस फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू था कि वो इतने बड़े विलन्स दिखा दिए मुसलमानों को कि मुझे फिल्म बंद करनी पड़ी आखिर में, कि वो लगा कि वो असल में वो अहमद शाह अब्दाली जीता नहीं था, वो जंग हार गया था। ये जो डिस्टॉर्शन हो रही है हिटलर हिस्ट्री की, ये कायदे आजम ने कहा था अपने, उन्होंने उनके आप एड्रेस पढ़े, उन्होंने कहा था हमारी हिस्ट्री फ़र्क है। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो कायदे आजम ने, मैं तो आज इस दिन ख़ास दाद देना चाहता हूँ अपने ग्रेट लीडर कायदे आजम को कि उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी। उनकी आप, मैंने तो उनकी कोई 3-4 किताबें उस पढ़ी जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी। उन्होंने जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो एम्बेसडर कहलाए जाते थे, वो ये चीज़ें देख के वो पीछे हटना शुरू हुए और फिर एंड में वो कहते गए मुसलमानों को कि तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है, तुम अंग्रेज़ की गुलामी से निकल के हिंदू की गुलामी में जाने वाले हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी जो आज नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी कौम को आज ख़ास तौर पर इस दिन कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारा मुल्क में जो जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वो अजीम मुल्क बनने जा रहा है जो हमारे ग्रेट लीडर कायदे आज़म की ख्वाब थी। शुक्रिया।